हेलो शार्क्स, हम हैं एक एजुकेशन ट्रांसफॉर्मिंग कंपनी। हम स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करने के लिए, लाइक यूपीएससी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, आरबीआई, सेबी, नबार्ड। हमारी यूएसपी है कि हम कंसेप्ट्स को इतना सिंप्लीफाई कर देते हैं कि किसी भी स्टूडेंट के लिए वो समझना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। प्लस हमारी एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच और फास्टेस्ट डाउट रिजॉल्विंग सेशंस, जो कि हमारे पर्सनलाइज्ड ऐप डिस्कशन फॉर्म के थ्रू होते हैं, एंड कॉल टू मेंटर्स जैसे फीचर्स हमें हमारे कॉम्पिटिटर्स से डिफरेंशिएट करते हैं। सो शार्क्स, हमारी आस्क है आपकी इनरोलमेंट, लाइक्स एंड शेयर्स फॉर द 100% ऑफ सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द कोर्स। अरे टेंशन मत लो, मेरे में शार्क टैंक का भूत नहीं आया। तो कल खाना खाते हो, जनरली अगर मैं घर 8:30 तक पहुंच जाऊं तो मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखता हूं, बट अगर ऑन एंड अराउंड 9 बजे के आसपास, 9 PM के आसपास मैं डिनर करने बैठता हूं तो मैं शार्क टैंक इंडिया देखता हूं। तो रिकॉर्डेड शार्क टैंक इंडिया मैं सोनी लिप पे चला लेता हूं। तो कल शार्क टैंक इंडिया देखते हुए एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया, क्या स्टूडेंट्स को पता है कि भाई शार्क्स कभी कभार इक्विटी के साथ साथ डेट प्रपोर्शन क्यों देते हैं? होता क्या है, एंटरप्रेन्योर्स जब भी आते हैं तो वो फंड्स की डिमांड करते हैं और डिमांड करते हैं अगेंस्ट द इक्विटी, बट कई सारी पिचेस में होता क्या है कि जो शार्क्स होते हैं वो इक्विटी के साथ साथ प्रेफर करते हैं कि जो बिजनेसेस हैं उन्हें डेट प्रपोर्शन भी दें। सो द क्वेश्चन इज, क्यों शार्क्स साथ साथ डेट प्रपोर्शन भी दे रहे हैं बल्कि इक्विटी के थ्रू तो उन्हें ऑनरशिप मिल रही है, राइट? तो वो ही चीज मैं आज आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन तो जो हमारे नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं या जो टेक्निकली पूरा अंडरस्टैंड नहीं करते, सबसे पहले तो ये डेट और इक्विटी क्या होता है। देखो, अगर मैं बात करूं किसी भी बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है मेरे लिए, कि वो फंड्स, कि उसे पैसे चाहिए। अब जो बिजनेस फंड है वो कहीं से भी दो सोर्सेस से ला सकता है। फंड लाने के हमारे पास दो सोर्सेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं, मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं कुछ प्रपोर्शन अपने पैसे का लगाऊंगा, राइट? तो उसे बोलते हैं हम ओनर्स फंड। क्या बोलते हैं? ओनर्स फंड। या मैं अगर बात करूं, मैं और मेरा फ्रेंड मिलके पैसे लगा रहे हैं तो हम दोनों कौन हो गए? ओनर्स हो गए, राइट? दूसरा वे जो हमारा बिजनेस में फंड्स लाने का होता है, दैट इज कि किसी से हम उधार मांग लें, मतलब हम बोरो कर लें अपने फंड्स। सही बात, अगर आप बिजनेस खोलोगे या तो आप अपने पैसे लगाओगे, या तो अकेले पैसे लगाओगे, या किसी दोस्त को अपने साथ ले लोगे जिसको बोलोगे आओ मैं आपको अपने बिजनेस में पार्टनर बनाता हूं, आप फंड्स लगाओ। तो आप दोनों कौन हो गए? ओनर्स। या आपने किसी बाहर के इंडिविजुअल से फंड्स ले लिए, पैसे ले लिए, बोरो कर लिए, उधार मांग लिया, दैट इज बोरो अमाउंट। अब कंपनी के केस में भी ऐसा ही होता है। जो कंपनीज होती हैं वो लोगों को बुलाती हैं कि आप हमारे साथ आके पार्टनर बनो, हमारी कंपनी में ओनर्स बनो, राइट? अब जब वो ओनर्स बनने होते हैं, जैसे अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो सिंगल इंडिविजुअल ओनर, पार्टनरशिप में हम पार्टनर्स बोलते हैं। ऐसे ही कंपनी में जो ओनर्स होते हैं वो कौन होते हैं? जिनके पास इक्विटी होती है, मतलब कंपनी के इक्विटी शेयर्स होते हैं, राइट? तो इक्विटी क्या हो गया? वो पर्संस जो कंपनी के ओनर्स हैं, पार्टनर्स हैं, ठीक? मतलब अगर फ्यूचर में कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी अपने प्रॉफिट्स को इन इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करेगी। और प्रैक्टिकल लाइफ में शेयर कैसे करती है?
याद है ना, कंपनीज इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्रोवाइड करती हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें बोरो की, तो कंपनी के केस में अगर कंपनी किसी और ऑर्गेनाइजेशन से, किसी इंस्टीट्यूशन से, किसी पर्सन से फंड्स बोरो करती है तो उसे हम बोलते हैं डेट। और ऑब्वियसली बात है, कंपनी को इस डेट के ऊपर देना होता है इंटरेस्ट हर साल। देखो, जो पैसे ओनर से आ रहे हैं, जो पैसे ओनर से आ रहे हैं और जो पैसे बोरोअर से आ रहे हैं, दोनों में फर्क क्या, दोनों में फर्क क्या है? देखो, जो ओनर्स हैं उन्हें मिलेगा डिविडेंड प्रॉफिट में से हिस्सा, जो बोरोअर्स हैं उन्हें मिलता है इंटरेस्ट हर साल। मतलब ये मालिक है कंपनी के, ये सिर्फ उन्होंने पैसा दिया, मालिक है ये डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होंगे, ये डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होंगे। राइट, यहां से समझ आ गया कि हमारा इक्विटी क्या होता है और डेट क्या होता है। तो अब हमारा वापसी से क्वेश्चन आता है, वापसी से क्वेश्चन आता है कि सर ऐसा क्यों होता है कि कभी कभार वो इक्विटी देते हैं, कभी कभार डेट देते हैं, बट इक्विटी देने से तो वो ओनर्स बन सकते हैं। तो मतलब अगर ज्यादा इक्विटी देंगे तो ज्यादा अमाउंट के ओनर्स बनेंगे, मतलब ज्यादा ओनर्स बनेंगे वो कंपनी के, तो वो डेट क्यों देते हैं? देखो, जो डेट की प्रॉपर्टी होती है, वापसी आए, जो डेट के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अभी मैंने डिस्कस किया कि भाई जो डेट होता है उस पे कंपनी को पे करना होता है इंटरेस्ट। राइट, देखो अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं, बैलेंस शीट की बात करूं, तो जो ओनर्स फंड हो गया चाहे वो डेट हो गया, वो कंपनी की लायबिलिटी होती है। जैसे अगर कंपनी के केस में बात करूं तो यहां पे आ जाएगा इक्विटी, इक्विटी शेयर्स के थ्रू, और साथ साथ डेट भी, मतलब दोनों को कंपनी ने पे करना है। और इसी पैसे के थ्रू कंपनियां खरीदती है अपने अपने डिफरेंट एसेट्स, खरीदती है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, जो भी चाहिए होता है वो इन पैसे के थ्रू खरीदती है। राइट, देखो जो डेट प्रोपोर्शन होता है इस पे कंपनी को पे करना होता है इंटरेस्ट, और जो इंटरेस्ट पे करना होता है वो कंपल्सरी होता है, लीगली बाउंडिंग होता है, कंपल्सरी होता है और लीगली बाउंडिंग होता है। मतलब जो ओनर्स होते हैं, जो इक्विटी शेयर्स होते हैं, उन्हें जो डिविडेंड देना वो किसी भी कंपनी के लिए कंपल्सरी नहीं होता। मतलब जो उन्हें इनकम देना, प्रॉफिट में से हिस्सा देना कंपल्सरी नहीं होता। और लेकिन जो इंटरेस्ट पे करना होता है डेट पे, जो इंटरेस्ट पे करना होता है डेट पे, वो लीगली बाउंडिंग और कंपल्सरी होता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। और साथ में जो भी अमाउंट इक्विटी में इन्वेस्ट होगी, जो भी अमाउंट इक्विटी में इन्वेस्ट होगी, देखो ओनर्स बन गए ना, तो ओनर्स का पैसा वापसी नहीं देती कंपनी, बट जो भी डेट प्रपोर्शन उठाया जाएगा, जो डेट अमाउंट उठाई जाएगी, डेट से फंड उठाए जाएंगे, बोरो करे जाएंगे। देखो जैसे हम किसी से बोरो करते हैं तो हमें वापस भी करना होता है ना, ऐसे ही कंपनी को भी उस डेट अमाउंट को वापसी करना होता है। तो इसीलिए जब भी शार्क्स को लगता है, या फिर शार्क्स को ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता उस बिजनेस में, तो वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि कुछ प्रपोर्शन इक्विटी का दे देते हैं और कुछ प्रपोर्शन वो डेट का दे देते हैं। डेट का देने से उनका मोटिव क्या होता है कि एटलीस्ट उनकी ये वाली जो अमाउंट है, उनकी ये वाली जो अमाउंट है वो उन्हें वापसी मिल जाए, प्लस उस पे जो इंटरेस्ट होगा 8% का, जैसे उन्होंने बोला वो 8% का इंटरेस्ट तो उन्हें मिलेगा ही मिलेगा। राइट, तो डेट देने का रीजन क्या होता है कि पहली चीज तो उन्हें हर साल, हर एक साल इंटरेस्ट पेमेंट जरूर मिलेगी, जो कि इक्विटी के केस में नहीं मिलेगी। इक्विटी के केस में प्रॉफिट से होंगे तो कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो मिलेगी। सेकेंड चीज, अगर जो डेट अमाउंट है वो कंपनी को एज पर एग्रीमेंट रिटर्न करना होगा। एंड थर्ड थिंग, अगर बाय चांस कंपनी डिसॉल्व भी हो जाती है और अगर कंपनी बंद भी हो जाती है, देखो अगर कोई कंपनी बंद होगी तो ऑब्वियसली मान लो अगर कुछ एसेट्स पड़े हुए तो एसेट सेल होंगे। अब जो सेल से अमाउंट आएगी लिक्विडेशन के टाइम,
मतलब कंपनी के बंद होने के टाइम जो भी सेल्स अमाउंट आएगी, जो भी कंपनी के पास एसेट्स बचे होंगे, सबसे पहले उस अमाउंट में से डेट वालों को पे किया जाएगा। फिर अगर कोई अमाउंट बच जाती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे किया जाएगा। तो जब वो डेट ऑफर कर रहे होते हैं उनका इंटरेस्ट होता है कि या फिर ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता एज कंपेयर टू अदर बिजनेस जहां पे वो सिर्फ इक्विटी ऑफर करते हैं। तो डेट के एडवांटेजेस ये हो गए हमारे पास, पहला इंटरेस्ट हर साल मिलेगा, अमाउंट रिफंड होगी, थर्ड अगर लिक्विडेशन होती है, कंपनी बंद होती है तो जो भी अमाउंट आएगी लिक्विडेशन से पहले डेट को पे होगी फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे होगी। ठीक, समझ आ गया। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।